जय श्री राम बंधु, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भैया का आशीर्वाद तो रोज प्राप्त होता रहता है, प्रत्यक्ष इनको मिल पाया हूँ। ये मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। और पहली बार मिल जब हमारी भेंट हुई तो तकरीबन 2 वर्ष हमने प्रतीक्षा किया। एक हमारे बड़े भाई थे तो उनसे मेरे उन्होंने आपके गुणों की बखान किया तो मैं जाना। हमने कहा भैया उनका दर्शन कराइए। तो आप उस समय कभी विदेश में हैं, कभी देश के दूसरे प्रदेश में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, और आप देखेंगे पूरे विश्व में आपको सम्मानित किया गया और देश में तो विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। वही कारण है जो आज क्योंकि सोच बढ़ी रही है, प्रयत्न बढ़ा रहा है, प्रयास बढ़ा रहा है, और जो बाहरी आप चीजें देख रहे हैं तो है ही, क्योंकि अंदर से आपका अपना स्वयं का नियम, भले ही मिनिस्टर भी क्यों ना हो, लेकिन अपना जो प्रातः का अपना नियम है 4 घंटा 5 घंटे का, वो नियम करने के पश्चात ही घर से निकलते हैं। तो उसी का कारण है कि आज भगवान की कृपा से आज मुंबई का नंबर 1 होटल है, पहले सेंट्रल था, आज जो है सारा है, वहाँ विराजमान है और पूरा ये सारा समूह के साथ है और पूरे लोग आते हैं। और यही नहीं, आपका जो व्यक्तित्व है एक प्रकांड ज्योतिष के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, और ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं, ज्ञान हमारे लिए, हमारे कुंडली के लिए, हमारे जातक के लिए, जो भैया के सानिध्य में आता है, शरण में कहना भी उचित है, बड़े बड़े लोग आए हैं, अथवा मार्गदर्शन के लिए आता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि एक डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर हो गया, आप सोचिए, और बड़े बड़े टॉप के डॉक्टर ने कहा, भैया ने कुंडली देखा और कहा कि नहीं, इसका प्रमाण भी मैं इस बात का दे सकता हूँ कि नहीं, इसको जो है कैंसर होगा ही नहीं, इसके है ही नहीं इसमें ग्रह दशा में। टाइम बताया आपने, किस टाइम तक जो है आपको पता चल जाएगा, भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, पर 10 अप्रैल के बाद में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ही पता चला कि नहीं, वो तो है ही नहीं, नाम मात्र का ऐसा था, तो वो भी निर्मूल हो गया, अभी बिना ऑपरेशन के आपने कहा था। तो इतनी योग्यता है तो आपके लिए, हमारे लिए उपयोगी क्या है, चीजें बहुत बड़ी है, वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है उपयोगी कितना, उपयोगी होना, समाज के लिए उपयोगी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं स्वयं आज, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत दिनों से आना चाह रहा था कि भैया के साथ बैठूं, कुछ चर्चा करूं, आप लोगों तक भैया का दर्शन कराऊं, पर संजोग नहीं, कभी मैं व्यस्त, कभी भैया व्यस्त, चीजें होती रही। भैया की विश्वसनीयता ही ऐसा है कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी, हर जगत के लोग, खेल जगत के लोग, अध्यात्म जगत के लोग, अध्यात्म जगत के लोग अगर सम्मान दें तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी राजनीति जगत के लोग, उसमें भी और व्यापारी जगत के लोग, एक आम व्यक्ति से लेकर खास तक जो है आप देखेंगे अलग अलग रूपों में कि देश के जो है गृह मंत्री मिल रहे हैं, अपने महाराष्ट्र के जो है जो सिरोधार्य हैं वो लोग मिल रहे हैं, हर व्यक्ति सम्मान दे रहा है। और ऐसा नहीं कि आप 11,000 रुपया देंगे तो भी इस कैबिन में आपकी एंट्री होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, आम रूप में भी आप, हाँ, सच्चे मन से आइए, नहीं दोबारा जय जय सियाराम, वो स्वयं जो है बड़ा अलग है, वो आपका स्नेह चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। दूसरी बात ये भी रहा है कि मैं इसीलिए मैं दो वर्षों से भैया से, 2 वर्ष तो मिल गया मिलने में, उसके बाद 2 वर्षों से मैं सच में भैया, उस समय बहुत मैं इंतजार किया था, और 2 वर्षों से मैं जब से यूट्यूब पे आप लोगों की सेवा में आया और हमें स्वयं आनंद आने लगा आप लोगों के कमेंट्स जान करके, तब से मैं भैया से निवेदन किया कि एक इतनी प्रगाढ़ विद्या आपके पास है, ज्ञान है, जो लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यूट्यूब में इतने नकली लोग भरे हैं जय जय सियाराम, जिनको ज्योतिष का एक आप कहिए अच्छी तरह लिख दीजिए तो शायद उनको लिखना भी नहीं आता होगा, ज्योतिष के कितने ग्रंथ हैं, निर्णय सागर क्या है, किस ग्रंथ का कहाँ पर उपयोग है, उनको ये भी पता नहीं, और कुछ भी जो है बोलते जाते हैं, कुछ भी बताते जाते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, जो एक अच्छा माध्यम है तो वहां पर भी आपको आना चाहिए, और मेरे निवेदन पर 2 वर्ष बाद जो है इसको स्वीकार के एक्सेप्ट किए, और अभी भैया ने एक अपना नया चैनल प्रारंभ किया है जिसमें आपको पूर्ण रूप से ज्योतिष का मार्गदर्शन, यही नहीं, ज्योतिष तो एक उसका आत्मा है, पर उसके साथ में आपका लाइफ स्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, मोटिवेट मतलब आप प्रोत्साहित होकर के कैसे जीवन जिया जाए, उस तरह से बहुत पूरा खजाना मिलेगा आपको। तो मैं चाहूंगा कि जो भैया जी का चैनल है अच्छा लगता है, तो फिर आप यहाँ पर आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए और उसको घंटी बजा दीजिए ताकि आपको जो भी हफ्ता में आपको भैया का आशीर्वाद मिलेगा
उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो ज्योतिष संबंधित, अध्यात्म संबंधित, भारतीयता संबंधित अथवा और भी चीजें मिलती जाएगी, भंडार है, चलता जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े, अपना परिवार है, तीन चैनल देखने के लिए अपने और भी परिवार में उनकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। लेकिन आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम ऐसे भैया से मेरा सौभाग्य था, मिलने का अवसर मिला, उसमें हम ये शनि की साढ़े साथी के बारे में, बहुत लोग डरा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि ये भी जो भी ग्रह है ना वो अधिकारी है, जैसे आपके अधिकारी होते हैं, हमसे कुछ गलती हुआ, हमने ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया है, तो भैया क्या होगा, उसका प्लांटी दे दो, काम खत्म, उससे हमें बहस करने क्या जरूरत है। तो ग्रह है तो कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल होगा, हम सब कोई प्रभु तो है नहीं। तो अगर जो ग्रह खराब है उनसे हमें निवृत्ति कैसे मिले, तो उसका सर्वोत्तम तरीका ये होता है कि आप उनके पास जाओ मतलब पूजा करो, आप पूजा कीजिए और उन मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का आप जाप कीजिए अथवा तंत्रोक्त जाप कराइए। वैदिक मंत्रों का स्वयं जाप न करें, वही करें जो उससे जुड़े हों, उसमें पारंगत हो। नहीं, तंत्रोक्त मंत्र है उसका आप स्वयं चार गुना, कलयुग में चार गुना ज्यादा कराइए, जप कीजिए, उनके निमित्त जितनी आपकी शक्ति है, मैं बार बार कहता हूँ, राजा का दान प्रजा का स्नान, आप उतने शक्तिशाली हैं तो आप बृहद रूप में दान दीजिए, नहीं है तो आप एक कुंटल की जगह एक पाव भी, एक मुट्ठी भी दे देंगे तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बारे में चाहता हूँ दो शब्द भैया बोल दें, ताकि फिर आप लोग सुने और फिर आगे सुनते रहें। नमस्कार मित्रों, श्री ब्रजेंद्र जी मेरे अनुज हैं, बहुत प्रिय हैं, और मेरा परिचय करीब 11 साल हो गया, 11 साल से मुझसे परिचित हैं, और इनकी विशेषता यह है कि बहुत सरल है। और असल में होता क्या है कि जो जिस नेचर का है वही नेचर दूसरे में भी मिले तो उसको पसंद करता है। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं इतना ही कहूंगा संक्षिप्त में कि आचार्य हैं, कर्मकांड के निष्णांत विद्वान हैं और उसकी बारीकियों से बखूबी परिचित हैं, और कर्मकांड की जो विधियां होती हैं वो उस विधियों को बाकायदे करते तो ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी विशेषता ये है कि ये मन से करते हैं, आत्मा से करते हैं, लगता है जैसे उन विधियों में प्राण फूंक दिया है। वो मैंने इनको पूजा करते हुए देखा और इससे मैंने बहुत प्रभावित हुआ, और मैं जहां भी मैंने इनकी चर्चा मैंने की, जिस किसी के पास भी इनसे निवेदन करके इन्हें मैंने भेजा, वे गए पूजा किए, उनका कार्य पूरा हुआ और वो खुश हुए, प्रसन्न हुए। पूजा कराने की विधि इनकी इतनी मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी होती है, इतनी सरल होती है, सहज होती है कि लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मैं साढ़े साथी के बारे में, आप आए तो हमने ऐसी ही चर्चा की, साढ़े साथी के बारे में अपने वीडियो में बताऊंगा कि साढ़े साथी होता क्या है और उसका प्रभाव क्या है। वस्तुतः लोग डर जाते हैं साढ़े साथी के से कि भाई शनि की साढ़े साथी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साथी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। यदि आपका शनि शुभ है, बलवान है, तो आपके लिए उसका प्रभाव उतना नहीं होगा, और या तो आपको महादशा अंतरदशा, इसका विस्तृत वर्णन मैं अपनी वीडियो में करूंगा। लेकिन कोई भी ग्रह के विपरीत परिणाम को रोकने के लिए उसका बाकायदे पूजा कीजिए, आप खुद मंत्र जप करिए, और मैं तो कहूंगा कि अपने जप करते हुए किसी विद्वान से, या आप इस बारे में मेरे अनुज ब्रजेंद्र जी से राय ले सकते हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से आप शनि का जाप कीजिए, दान कीजिए, और मैं अपनी वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका एक सरल उपाय बताऊंगा। मेरे उपाय एकदम सरल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और अनुभूत होते हैं, तो उपाय मैं बताऊंगा। उसमें हनुमान जी की पूजा करनी है आपको क्या, और नीलम धारण करें, कैसे धारण करें, वो सब मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। आपकी वीडियो में ब्रजेंद्र जी ये बताएंगे कि ये कैसे, उसको आप उपासना कैसे करें, उसका जप कैसे करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम, और जरूर जो है इस चैनल को लाइक कीजिएगा और हमें बहुत आनंद आएगा, और आप स्वयं जुड़ जाएंगे तो धीरे 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 आपको स्वयं बहुत आनंद आएगा। 23,000 जाप है, उसका दशांश हवन करना चाहिए, और हवन करने में जो सामग्री है उसके साथ में हमें शमी की लकड़ी से हवन करना चाहिए, उसके लिए विस्तृत एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें विशेष पूरी चर्चा हो जाएगी, तो आप देख भी सकेंगे, जान भी सकेंगे, तो करने में आपको सुविधा रहेगी। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझने की। कोई भी ग्रह हमारा, कोई भी देवी देवता हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, हमारे अपने कर्मों के कारण ही हमें कष्ट होता है, उसको ठीक किया जा सकता है। जय श्री राम, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।